विमो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर। तो आज हम देखेंगे थ्योरम 3। इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया, देखिए आपको बताया गया है कि मान लीजिए अगर एक क्वाड्रिलेटर है जिसके ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक ना, तो ये हो गया आपका एक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर, ठीक है, सच दैट यहां पे क्या है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी इक्वल टू सी डी, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये आपका गिवन दिया हुआ है। हमें क्या कहा है, हमें कहा है कि वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम है। देखिए पैरेललोग्राम कैसे दिखाएंगे, अगर हम ऐसा दिखा पाए कि ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल तो ये जो है ना वो पैरेललोग्राम दिखाना हो जाएगा। तो हाँ वैसे ही करना चाहते हैं, तो देखिए हम प्रूफ जो है ना यहाँ पे प्रूफ लिखते हैं। हाँ यहाँ पे जो डायगोनल है ना यहाँ पे आप लिखिए लेट जॉइन, नहीं लेट ड्रॉ डायगोनल एसी, आपको एसी को जो है ना वो आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम जोड़ दिए, तो अब देखिए प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है दो ट्राइंगल हो गए, इसमें से आपको क्या क्या पता है, आपको पता है कि जो ए बी इक्वल टू सी डी है और यहाँ पे गिवन, ये आपको गिवन दिया है कि जो ए बी इक्वल टू सी डी है, और आपको ये भी पता है कि जो ए डी है वो इक्वल टू बी सी है, ए बी गिवन है, और ए सी इक्वल टू ए सी, ये जो है वो कॉमन साइड है, कॉमन साइड हो गया। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, देखिए देखिए यहां पर देखिए ए बी के साथ कॉन्ग्रुएंट है सी डी, ठीक है, और देखिए यहां पे हमसे गलती हो गया, यहां पे बी सी यहां पे नहीं होगा, बी सी इस साइड पे होगा और ए डी यहां पे होगा, क्योंकि देखिए ट्रायंगल जो है ना ट्रायंगल के हिसाब से लिखेंगे आप, कंफ्यूज मतलब गलत बना गलत होगा। देखिए BC की इक्वल टू AD है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं BC BDA, हम चेक कर लेते हैं AB के इक्वल टू CD है, BC के इक्वल टू AD है और AC के इक्वल टू AC है, ठीक ना, एक कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके हिसाब से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एंगल BAC इक्वल टू एंगल ए सी डी, तो वो इक्वल हो गए, सो ए बी पैरेलल टू सी डी। आप यहां पे लिखिए रीजन, लिखिए इफ आ ट्रांसवर्सल, इफ आ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट a pair of alternate angles are equal, then lines are parallel. और यहां पे आप रीजन लिख दीजिए सीपीसीटी, ठीक है, तो आपने एक दिखा दिया, तो वैसे ही अगर हम दिखाएंगे सिमिलरली आप दिखा सकते हैं जो ए एंगल है इससे इक्वल होगा, तो आप लिखिए एंगल ए सी बी, एंगल सी जो है ना वो एंगल ए से इक्वल है, मतलब डी ए सी सी पी सी टी, सो ए डी पैरेलल टू बी सी टू, देखिए ए बी सी डी से पैरेलल और ए डी बी सी से पैरेलल है, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम।
ठीक ना। और यहाँ पर भी सेम रीजन, आप इसी रीजन को यहाँ पे लिख देंगे, मैं यहाँ पे सेम रीजन लिखता हूँ, आप पूरा लिखेंगे ठीक ना, सेम रीजन है ठीक है। तो देखिए इसी के साथ जो थ्योरम 8.3 है वो ए पे कंप्लीट होता है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो कभी से पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की, आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आप शेयर कीजिए और ऐसे लोग आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।